हेलो व्यूअर्स, ट्रेवल एसेंस के एक नया एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एक मंथ से शायद आप लोगों ने ट्रेवल वीडियो देखना बंद ही कर दिए होंगे, क्योंकि क्या फायदा, बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। बट भले ही फॉर द टाइम बीइंग आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, बट ये इन्फॉर्मेशन आपके कभी भी काम आ सकता है। सो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे इस एपिसोड में चलेंगे डिब्रू सैखोवा और एक लोकल विलेज का टूर भी करेंगे। और ये डिब्रू सैखोवा लोकेटेड है आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। और डिब्रू सैखोवा जाने के लिए तिनसुकिया मेन टाउन से अराउंड 12 किलोमीटर दूरी पे आप लोगों को जाना पड़ेगा गुइजान घाट में, जहाँ पे फेरी एंड बोट सर्विस अवेलेबल है। ड्यूरिंग जून जुलाई, जिस टाइम में रिवर में वाटर लेवल ज़्यादा रहता है, उस टाइम पे बड़ी मशीन बोट जिसकी कैपेसिटी 500 पीपल कैरी करने की होती है, और ड्यूरिंग विंटर्स जिस टाइम पे रिवर का वाटर लेवल कम हो जाता है, उस टाइम पे छोटी मशीन बोट चलती है जिसकी कैपेसिटी 50 to 100 पीपल कैरी कर सकते हैं। सुबह के ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करके लंच भी आपको बोट में ही मिल जाते हैं, और अगर रात को आप लोग रुकना चाहते हैं तो बोट हाउस में रात को रुक सकते हैं। अगर मौसम साफ हो और सनी डे हो तो क्विजन रिवर में आपको रिवर डॉल्फिन भी देखने के लिए मिलेगा। अभी जो ये एरिया देख रहे हैं, ये पूरा डिब्रू सैखोवा के अंदर ही आते हैं। और अगर आप लोग डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के अंदर जाना चाहते हैं तो आप लोगों को फॉरेस्ट गार्ड लेके आना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट फॉरेस्ट गार्ड आप लोग डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के अंदर नहीं जा सकते। और उसके लिए गुइजान घाट में ही फॉरेस्ट ऑफिस है, उस फॉरेस्ट ऑफिस में आपको एंट्री पास और गार्ड के लिए कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि अभी रिवर का वाटर लेवल काफ़ी कम है, इसीलिए अराउंड बोट से उतरने के बाद 5 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग आज डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के अंदर तो नहीं जा रहे, बट पास के ही एक लोकल विलेज की टूर में जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग चलेंगे स्काईलैंड पे, जहाँ पे एडवेंचरस स्पोर्ट्स लाइक पैरासेलिंग, हॉर्स राइडिंग एक्सेट्रा आप लोग कर सकते हैं। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं कार्मी विलेज, और ये विलेज एक छोटा रिवर आइलैंड की तरह है, और इनके साथ ही लगा हुआ और दूसरे विलेज भी है, जैसे लाइका विलेज और बहुत सारे। और यहाँ पे जितने भी विलेजेस है काफी फ्लड प्रोन है, क्योंकि हर साल यहाँ पे बाढ़ आते हैं, और जब भी बाढ़ आते हैं तो ये लोग दूसरे कई हाई एल्टीट्यूड वाला विलेज में शिफ्ट हो जाते हैं। एग्रीकल्चर और फिशिंग यहाँ के लोगों के लाइफलाइन है, और क्योंकि ये विलेज रिवर बैंक में स्थित है, इसलिए यहाँ का जमीन काफी फर्टाइल होते हैं। और यहाँ के घर की खासियत ये है, जमीन से ऊपर घर को बनाते हैं ताकि फ्लड का मात्रा अगर कम हुआ तो टू सम एक्सटेंट सस्टेन कर सके। और घर के आगे छोटे छोटे बोट रखते हैं ताकि अचानक से अगर फ्लड आ जाए तो दूसरे कोई हाई एल्टीट्यूड वाले विलेज के लिए वहां से निकल सके। क्योंकि हर साल यहाँ पे फ्लड आते रहते हैं, इसलिए बिजली के तार तो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पे सोलर पैनल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि गांव वालों की कठिनाई थोड़ा कम हो सके। और फिशिंग के लिए गांव वाले डिफरेंट टाइप ऑफ बेम्बू मेट फिशिंग टूल का यूज करते हैं। कार्मी विलेज में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग पहुंचे हैं स्काईलैंड पे। यहाँ पे आप लोग एडवेंचरस स्पोर्ट्स लाइक पैरासेलिंग, हॉर्स राइडिंग और बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन वगैरह करवा सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ स्काईलैंड विजिट कर रहे हैं तो यहाँ का पगोडा टेंट होल डे के लिए 500 रुपीज टेंट पे ले सकते हैं।
और यहाँ पे पैरासेलिंग करने के लिए 700 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही ट्रेवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक मैं पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।